वीरो तो भैनों कुछ दिन बाद मैं थोड़े कोल हूँ दोबारा हज कैप्टन दे विच थोड़े सामने आ रहे हैं थोड़िया गल्लां जिहड़ियां तुसीं सवाल कीते ने उन्हां नूं उन्हां दे बारे बोलण लई और कुछ गल्लां जो असीं आप कर रहे हैं वह भी थोड़े सामने रखण लई। पहली गल तां तुहानूं पता है कि कल साडी कैबिनेट दी मीटिंग होई सी उहदे विच असीं एक तां मुद्दा जो पास कीता सी कि 19 तरीक नूं विधानसभा दा असीं एक सैशन बुला रहे हैं ताकि ये जरा किसानी का मसला पंजाब के सामने और सारी किसानी के सामने आया वो उपर बहस करके कोई फैसला असं उसे करिए। अफसोस है मैनू कि कल जो किसान साढ़े गए से पंजाब उन्होंने वजीर मिलने लिए कोई वजीर उन्होंने मिले नहीं और वो बड़े रुस के ही मैं कह वापस आए ने। वैसे जो तुम किसी सदते हो वो थोड़े मेहमान ने और उन्होंने ड्यूटी बनती सी कि थोनू मिलन और थोड़ी गल्लां समझन और फिर वो तो कोई फैसला करन। फिर भी असी अपने तौर पर साढ़े अज तीन वजीर असी किसानों को भेजे ने ताकि उन्होंने नाल बह के एक गलबात अगे चलाउण कि किस तरीके नाल असी इहदा कोई हल कढ सकीए। ये तो दो गल्लां सी आम मुद्दा जो अज अखबारों के बहुत कुछ दिन तो आ रहा है और कई किसान अज जथेबंदियां सड़कों पर बैठिया ने रेलवे लाइनों पर बैठिया ने वगैरह असी चाहते हैं कि यदा हल जल्दी निकले क्योंकि नहीं तो पंजाब का ही नुकसान हो। हम पहली गल तो यह है अगर आप ट्रेना पर बैठांगे कोला नहीं आऊगा कोला नहीं आऊगा तो साढ़े जड़े बिजली बंद हो जानी है। ये पता नहीं कौन इतों कोई गलत गल्लां कर रहा है। असलियत यह है कि साड़ी लहरा मुहब्बत हूँ तकरीबन बंद होने पर आ गई साड़ी जिहड़ी उत्थे GVK दी सीगी अपने तरन तारण दे कोल उत्थे वह बंद हो गई है। यूनिट दो साढ़े यूनिट रह गए ने किसी दे कोल एक दिन का कोला एक दिन चार दिन का कोला है वह भी अगर बंद हो जाएंगे पंजाब दे विच असी जिन्नी एक अखबार किसी ने कहा सी कि तुसी सेंट्रल उत्थे नैशनल ग्रिड तो तुसी खरीद रहे हो किन्ना असी खरीदांगे नैशनल ग्रिड तो और कितों पैसे आउणगे वो ग्रिड तो लैण वास्ते जद असी कुछ पैसे तो किसानों वास्ते तो असी मुफ्ती बिजली दे रहे हैं तो फिर पैसे कितों आएंगे ताकि असी नैशनल ग्रिड तो खरीद सकीए। तो ये गल्लां कुछ ने जिहड़ी मैं आस करदा कि किसान यूनियंस भी इस गल नूं देखणगियां और सोचणगियां इहदे बारे। सिर्फ यही नहीं डीजल भी आउंदे उस दे राहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स साडे आउंदे ने उहदे विच साडी अज जिहड़ी हुण थोड़ी वाढी मंडी च आउण लग गई उह कित्थे स्टोर हो गई क्योंकि स्टोर तो पहले ही साडे भरे ने। अगर ट्रेनां नूं तुसीं जाण देओगे कि फिर असीं खाली कैसे करांगे स्टोरां नूं। तो ये सारिया चीज़ा किसानी के नाल संबंधित ने और मैं समझता सी कि सेंटर वाले बह के इन्हां नाल कोई गल करेंगे फिर भी असी मैं आस करदा कि पंजाब का भविख नूं मुख रखते हुए साडे किसान यूनियन भी ये गल्लां नूं अपने तौर पर देखणगे ताकि असी कोई पंजाब का कोई हल चंगी तरह कढ सकीए। एक बड़ी पुरानी मंग सी कुछ दो साल तो जब तो सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिहड़ी पोस्ट SC वास्ते SC साढ़े बेटियां बेटे ने उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद करती। पता नहीं उन्होंने क्यों बंद कर दी जब गरीबों को तुम किसी किस्म की एजुकेशन का प्रबंध कर रहे हो तुम हूँ लैवल चकता कि जी 800 करोड़ तो अगर होर ज़्यादा होएगा तो असी देवे नहीं तो असी नहीं देवे हूँ 800 करोड़ का तो पंजाब लगता ही नहीं तो सानू अपने तौर पर असी एक हूँ डॉक्टर BR अंबेडकर स्कीम चलाई है ताकि असी अपने तौर पर वो बच्चों वास्ते असी स्कॉलरशिप देिए। ये कल भी कैबिनेट फैसला यह होया सी और ये नाल ही ये मैं तुसी पहला भी मैं तो सुनिया होना है कि असी 1 लाख नौकरियां सरकारी नौकरियां असी गवर्नमेंट नूं देवांगे। एडवर्टाइजमेंट हुण शुरू होनी है 50 इस साल मतलब 31 मार्च तक और 50 अगले साल तो 1 लाख बच्चों नूं असी गवर्नमेंट नौकरी वास्ते हुण एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाणियां ने एंड अक्टूबर तक अगले 10 दिनां दे विच और फिर तुसी अपनी कागज़ भर के भेजो और वाहिगुरू करे तुहानूं अच्छी नौकरियां मिलन। एक होर गल बड़ी मंग सी साडी मैनीफेस्टो विच भी असी पाया सी कि साडियां बेटियां देखो अज बेटियां साडियां जहाज़ चला रही ने फाइटर जहाज़ चला रही ने दूजे जहाज़ भी जिथे पैसेंजर नूं ले जांदे ने वलायत वगैरह वगैरह वो चला रही ने। साडियां बेटियां नेवी दे विच आर्मी दे विच आ हुण जिहड़े नवें रफेल जहाज आया एक उत्थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटी है वह भी उत्थे पहुँच गई है अंबाला स्क्वाड्रन दे विच रफेल चलाउण वास्ते 8000 करोड़ रुपया दा जहाज है वो चलाएगी।
इस किस्म के जेडे अज कल बेटियां साड़ी अगे जा रही ने और हुण इन्ने तुसी स्कूलां दे जां कॉलेज दे एग्जाम हुंदे ने तुसी अखबार कढ़ के देखो उपरली लाइन दे विच कतार दे विच उत्थे ज़्यादा साड़ी बेटियां आउंदियां ने जिहड़ियां फस्ट आईयां ने सैकंड आईयां ने थर्ड आईयां ने तो इन्हां वास्ते सानू कुछ प्रबंध करना चाहिदा सी और ये साडे मैनीफेस्टो विच सी कि असी 33% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियां दे विच बेटियां वास्ते रखांगे और असी कल कैबिनेट ने पास कर दिता है। एक होर है बड़ी देर तो मैं देख रहा स्लम डवेलर जिन्हों कहते हैं अपनी बस्तियां ने अपने पिंडा दे शहर दे विच जिथे बहुत साल तो लोग वसते ने उत्थे डिवेलपमेंट नहीं हो सकती जब ती वो बस्तियां लोगों के हाथ नहीं आउंदियां उन्होंने ना नहीं चढ़दी ना असी कोई बिजली दे सकी ना पानी दे सकी ना सुएज दे सकी कुछ भी ना कर सकी तो इस करके असी फैसला किया कि असी हुण जिथे भी साढ़े बस्तियां दे विच लोग वसते ने जिथे बैठे ने वह जमीन उन्होंने ना असी कर देनी है। फिर लैंड रेवन्यू एक्ट की बड़ी विधानसभा दे विच आएगा बिल उन्हों असी देखांगे ताकि उन्हों जल बड़े आसान तरीके नाल असी बना रहे हैं ताकि ये जिहड़े हुण ताईं तुहानूं तुसी जाणदे हो अपने एक्ट वगैरह दे राही अपने कोई हल कढ़न वास्ते वो बड़ी देर लगती है उस तुहानूं उहदे बड़ी कॉम्प्लीकेशनस ने उहदे विच वो सारिया कुछ असी उहदा हल कढ़ रहे ताकि तुहानूं ये तकलीफ ना होए। दूर तीसरी गल ये है जदों असीं जाणदे हां ना जिथे बहुत गरीब बंदे बैठे ने वो बड़ी साल तो उन्होंने कोल अपने ना कुछ भी नहीं जमीन पर जमीन बारे ने वो असी हुण जमीन नू असी उन्होंने ना कर देनी है ताकि वो उन्होंने जायदाद ही एक किस्म की उन्होंने बन कि ना होगा दो चार बीघे होंगे अद्धा किलो किला होगा दो किले होंगे कुछ इस किस्म की जिते भी है जो तुसी बाहर हो वो थोड़ी जमीन बन जानी है। ये गलां तो असी कल एदा तो फैसला असी कल कर दिता है लेकिन हुण मैं जिहड़ी गल तुहाडे नाल करना चाहुंदा देखो बड़ी मुश्किल नाल अज असी कोविड दा तुसी हर वेले यही मैं सुनदा है कि कोविड कुछ नहीं जी कोविड तो ठीक हो जाता बंदा जी तुहानूं पता नहीं अगर दुनिया दे विच तुसी अज देखो टेलीविजन देखो या कुछ देखो या डॉक्टर नूं बोलदे होए तुसी सुनो तो अगर कोविड हो गया किसी नूं और कोविड दा ओह तो बचा हो गया उहदा मतलब ये नहीं कि वह बिल्कुल 100% राजी है। कई ये बाद बीमारियाँ आ जाए छाती की आ जाती है कई यही चीज़ा ने जड़िया बंदे कई कई महीने कई कई साल साल तो हाले हो नहीं पता नहीं देखने कि किन्नी देर चलू लेकिन कई कई महीने का है कि वह असर रहा उन्होंने उन्होंने सेहत पर असर रहा। कोविड अगर हो जाए तुम ठीक हो जाओगे तुम समझो कि मैं बीमारी खत्म हो गई जी मैं बिल्कुल वधिया ये नहीं पता थोनू कि थोड़े बेच हाले भी उही कीड़ा आएगा इस कोविड का और वो थोनू खराब कर दूगा थोनू थोड़ी जब तुम कदे कोई कोई किसी की छाती दे विच कोई दर्द हो जाए किसी के दिल दे विच हार्ट दे विच प्रॉब्लम हो सकती है तो इस करके मेरी गल्लां तुसी सुनो। देखो बड़ी मुश्किल नाल अज पंजाब सही राह ते आ रहा है अज साढ़े 550 केस होए ने कल एक कल शाम की रिपोर्ट है और 31 बंदियां दी साड़ी मौत हुई है और साढ़े अज 550 तो होए ने लेकिन 970 असी वापस घर भेजते हस्पतालों चो सो ये पॉजिटिव गल जी अज हो रही है लेकिन ये जी गल समझ वाली है कि साढ़े अज भी लोग जदों किसी नू कोई बीमारी लगती है या ठंड लगती है या छाती दर्द हों बुखार हों उदों तुसी जाके थोनू डॉक्टर नू मिलना चाहिंदा सी तुसी नहीं मिल रहे क्योंकि जो मैनू आ रहा है इस लैवल 2 और लैवल 3 दे विच बहुत साढ़े लोग आ रहे हैं। एक बार तुसी लैवल 2 ते आ जाओ और कल साढ़े 176 बंदे लैवल 2 दे विच से और लैवल 3 दे विच 32 बंदे से फिर सानू ये फिगर जिहड़ी है मौत दी ये बढ़दी है। अगर तुसी लैवल 1 दे विच चले जाओ तकरीबन सारे एक बार ठीक हो जाओगे फिर थोड़ी अपनी हिम्मत है कि तुसी अपने डॉक्टर दे इलाज नाल चल के आ जिहड़ा मैं तुहानूं दस रहा ये छाती का होर यदा कंट्रोल रखो लेकिन इसनों हूँ क्यों दिने आप हूँ इसलिए दिने क्योंकि आप जो थोनू दस रहे हैं सारी दुनिया दस रहे हैं मास्क पाओ हाथ तो सोशल डिस्टेंसिंग रखो थुको ना पब्लिक प्लेस के कोई नहीं कर रहा ता ही मैं थोनू बार बार कहना कि तुम ये गल जरूर कराओ पंजाब नू बचाइए अपने आप नू बचाओ अपने परिवार नू बचाओ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,25,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਔਰ 3,09,25 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਤਰੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਉਤਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਕ ਔਰ ਟਰਫ। ਇਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ ਔਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਊਗੀ, ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੱਖੂ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਜਾਈਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਪਾੜਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਤੇਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਲੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਈਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10% ਯੂਰੀਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ? ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ
अपनी अपना झोना आ रहा है या बासमती आ रहा है, जोड़ा बासमती चलो प्राइवेट लोगों को जा रही है, लेकिन झोना कितने रखा असी। सो ये सारिया चीज़ा अपन सोचनिया पैनगियां कि असं बड़ी गंभीरता नाल सोचनिया पैनगियां ताकि ये अपना नुकसान पंजाब का बहुत हो जाए। दौरान मीनाक्षी जैन जी पटियाले तो कहते ने रोज़गार मेले दे विच मैनू एक नौकरी मिल गई सी, मैं सोचा सी कोविड क्राइसिस के दौरान रोज़गार मेलिया का कुछ नहीं होना, लेकिन मैनू मिल गई है, मैं थोड़ी धन्यवादी है। आई होप मीनाक्षी जी तुम चंगी नौकरी मिली है, मैं आस करती हूँ कि तुसी उस नौकरी के राही अपनी जिंदगी बनाओगे कुछ। राजत पॉल जी हुशियारपुर तो तुसी कह रहे से कि मेरी एस सी स्कॉलरशिप मिलती सी, हुण कल तुसी फैसला किया है इस स्कॉलरशिप का। मैं थोनू कह हटिया कि असी स्कॉलरशिप का अपने तौर पर एक नवी डॉक्टर अंबेडकर स्कीम चलाई है, वो राही पंजाब सरकार अपना ही प्रबंध करूगी क्योंकि सेंटर तो दे नहीं रही, सेंटर ने तो थोड़ी स्कीम बंद कर दी है, वो असी देवे थोनू। ये हूँ जी स्कॉलरशिप है, पहला 2.5 लाख की जी आमदन सी वो अपने बच्चों 2.5 लाख तक जिनी दी सी बच्चे आ सकते से, हुण असीं 2.5 लाख नूं 4 लाख बना दिता ताकि ज़्यादा बच्चे साढ़े आ के इस स्कॉलरशिप स्कीम दे विच पढ़न। तुसीं इह कहा हुण अपने दशहरा दिवाली वगैरह आ रही है सारी, और मिठाइयां दी दुकानां जिहड़ियां ने बड़ी देर तों बंद रहियां ने, हुण कितें सानूं इत्थे अडल्ट्रेशन वगैरह ना होवे इहदे च, इह चंगा तुसीं गल इह चक्की है। मैं अपने जिहड़े फूड सेफ्टी विंग है साढ़े अपना डिपार्टमेंट हैल्थ का सेहत का उन्होंने तंदुरुस्त पंजाब वाले उन्होंने कहूँगा कि सारे दुकानों चैक करन ताकि यह जी गल कि हो ना जाए और साढ़े बीमारी अपने लोगों कोई लग जाए। बलजिंदर कोटली जी बटाले तो पुछते हैं कि करतारपुर साहब का कोरीडोर जिहड़ा अपना लांघा है कदों खुलेगा। बेटा असीं तां चाहुंदे हां कि खुले जल्दी, जिन्नी जल्दी जान लोग दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ये उदों कोविड करके बंद करता सी पाकिस्तान ने भी और हिंदुस्तान ने भी। हुण सुनिया पाकिस्तान इजाजत दे रही है कि जे अगर जाना चाहुण कि उत्थे लोग जा सकदे, दादू जा सकते ने, वो हुण साडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं दिल्ली तो फैसला करना पऊ। असी अपने तौर पर उन्होंने ऐलान लिख भी दिता है कि सानू कोई एतराज़ नहीं, अस तक बड़े खुश होवांगे कि अगर श्रद्धालु इत्थों जा सकन। मैनूं प्रेस ने भी पुछया सी, यही जवाब मैं उन्होंने दिता सी, और मैं हुण आस करदा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी इस लांघे नूं खोलण। विक्रमजीत सिंह जी पटियाले तो कहते हैं कि मैं फौज जॉइन करनी सी तो मेरे इस पिंड दे विच कोई प्लेग्राउंड नहीं सी, स्टेडियम नहीं सी, तो मैं नाल दे पिंड जाना पैंदा सी अपनी दो कुछ वर्जिश करन वास्ते, फिजिकल फिटनेस बढ़ाने वास्ते। हुण मैनूं खुशी है कि तुसीं इत्थे बना रहे हो, तो विक्रमजीत मैनूं बड़ी खुशी है कि तुसीं फौज में जा रहे हो। बेटा हुण तगड़े हो, करो अपनी कसरत वगैरह और चंगी तरह उत्थे जा के अपने रेजिमेंट की और अपने देश की सेवा कर सको आर्मी च। ये जसवीर सिंह जी खन्ने तो स्कूलों के बारे, वो स्कूलों का मैं खोल दिता है 9वीं जमात तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चार जमात खुलन गया शुरुआत विच, और ये भी थोड़े पिता जी वगैरह नूं पुछ के कि जे अगर तुसीं जाना चाहुंदे हो उन्हां दी इजाजत नाल तुसीं स्कूल अटेंड कर सकदे हो, लेकिन असीं खोल रहे हैं ये स्कूलों नूं ताकि जिहड़े बच्चे जा सकन उत्थे वो अपनी पढ़ाई शुरू करन दुबारा, पर सिर्फ 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। उस तों बाद जदों हालात सुधरन और अगर ये कोविड फिर ना चढ़े फिर असी छोटी जमातों ताई असी पहुँचने की कोशिश करांगे। मैं ये भी पटियाले तो हैं, अरुण कुमार जी वो लिखते हैं कि केवी सूलर ज्ञान कॉलोनी पटियाला एक सड़क है जी, वो सड़क हुण बहुत टुट गई, इहदी कुछ करवाओ। पटियाला ग्राम पंचायत नूं ऑलरेडी दस दिता गया है और असी उन्हां नूं जिहड़े महकमा नूं देख रहे उन्हां नूं भी मैं बचा दित्ती गल कि इस सड़क नूं जल्दी जल्दी इहनूं बनाई जाए। DC पटियाले नूं भी अज टैलीफोन हो रहा है कि इस सड़क का देखो कितने फसया हुआ काम और शुरू करें जल्दी। एक प्रितपाल सरन जी सराज जी पूछते हैं
कि जैतो कोट कपूरा बठिंडा सड़क जिहड़ी 100 पिंडां नूं जोड़दी है, इट हैज एक टोल रोड बनाया गया है। टोल कंपनी कहते हैं कि सड़क नहीं बना रहे और जिन्होंने इन्होंने रोकता कम और ये साढ़े बड़े ये नाल नुकसान साढ़ा हो रहा है। ये मैं पता किया, यदा काम शुरू हो गया है और डिपार्टमेंट को मैं ये भी कह दिता कि जल्दी तो जल्दी यदि कंस्ट्रक्शन खत्म करें। आही सी गल अज, मेरा ख्याल तुसी भी सारे उलझे हुए हो अपने कामां च, लेकिन मेरी बेनती जी पहला मैं की सी अपने पंजाब का हुण ध्यान रखना, अपने अपने बच्चों का, अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने मोहल्ले का, अपने पिंड का, अपने शहर का, और तुसी एक कोविड नूं रोको। जिन्ना आप कोविड नूं रोक देंगे, जिन्ना पंजाब तो आप कोविड नूं भजा देंगे, उन्ना ही अपना फायदा, उन्नी डिवेलपमेंट होएगी। थोनों पता है पंजाब दे विच 60,000 करोड़ रुपया इंडस्ट्री लैके आई सी, और ये MOU नहीं, ये धरती दे उपर फैक्ट्रियां दा काम शुरू हो गया सी, और ये कोविड नाल जरा ठंडा पै गया। हुण अगर 60,000 करोड़ साड़ी लग जाए, तुहानूं पता किन्ने लखां बच्चों का साड़ी नौकरियां का प्रबंध हो सकता है उत्थे। तो ये सारिया चीज़ा कोविड दे नाल संबंधित है, थोड़ी सेहत भी, परिवारां दी सेहत भी, पंजाब दी सेहत भी, और बच्चों का भविख भी। तो ये चीज़ा हुण मैं एक बार फिर तुहानूं बेनती करना चाहुंदा, कोविड का ध्यान रखो, और जो थोनू डॉक्टर ने दस्या है, दो रोज़ तुसी टैलीविजन ते देखदे हो, अखबार पढ़ते हो, मेरी गल्लां हर हफ्ते मैं थोड़े नाल करदा, जरूर मनो और एक काम नूं आपां सिरे चढ़ाईए, ताकि अपने पंजाब नूं आपां फिर एक बार बड़े तगड़े तरीके नाल अगे ले जाण दी कोशिश करिए। अगले हफ्ते फिर मैं थोड़े नाल गल करांगा बेटा, सारिया वास्ते मैं इन्ना ही हुण करदा कि अकाल पुरख थोड़े परिवारां नूं सुखी रखण, तुसी चढ़दी कला च रहो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद।